दोनों ही एक एक मैच हार चुकी है संस्कार। पहली ओवर लेके आए संस्कार और सामने विनोद नॉन स्ट्राइक पर हिम्मत, दोनों ही अपनी पहली जीत के तलाश में। संस्कार, संस्कार की अगली गेंद, फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, बॉल टप्पा खाने के बाद मिडिल स्टंप पे टप्पा खाने के बाद एंगल बनाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। लगातार डॉट, दो बॉल डॉट, दो गेंदे डॉट कर चुकी है विनोद। अगली गेंद संस्कार की, और इस बीच बढ़िया गेंद सीधे ब्लॉक हॉल में, अच्छी गेंदबाजी। दो गेंदे स्लॉट में डालने के बाद एक गेंद सीधे ब्लॉक हॉल में, यॉर्कर गेंद, अच्छी गेंदबाजी। नागेश, 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 जरा पाउडर लेके जाना हो व्हाइट। मैच स्टार्ट, हेलो, और फिर से बैक पूर्व जाकर पॉइंट की दिशा में खेला एक रन, और ये डायरेक्ट हिट, लेकिन अच्छा बैकअप किया आयुष ने। अच्छी ओवर, अब तक तीन बॉल तीन गेंदे डॉट होने के बाद एक सिंगल आया है, चार बॉल एक रन अब तक दिए है संस्कार ने। और ये विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंद बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते, लेकिन हिम्मत बिना खाता खोले पेवेलियन में। अच्छी शुरुआत जावा बॉयज की, संस्कार अंबोली के एक अच्छे ऑलराउंडर, तेज गेंदबाज। और हिम्मत के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज चेतन कोतरेकर आए हैं, नए बल्लेबाज चेतन कोतरेकर। संस्कार की अगली गेंद, बढ़िया गेंद, टांगों पर यह गेंद थी, लेकिन इस बीच एक रन चुरा लिया लेग बाइस के रूप में अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। दो रन दिए, एक विकेट चटकाए हैं संस्कार ने। अच्छी शुरुआत जावा बॉयज की, एक ओवर दो रन और एक विकेट। दूसरा ओवर लेके आए हैं रुपेश, सामने है चेतन, बढ़िया शॉट मिड विकेट की दिशा में, एक ही रन मिलेगा जब तक गौरेश फील्ड करके गेंद को वापस करते, एक रन पूरा किया दौड़कर, एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ तीन रन। बढ़िया शॉट, लेकिन उतनी अच्छी बिल्डिंग और रनआउट का चांस यहां पर, लेकिन हो डायरेक्ट अगर स्टंप पे लगती तो यहां पर रनआउट हो सकते थे विनोद, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी फील्डिंग वहां पर,
एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ चार रन। ये युवा और सामने है चेतन कोत्रेकर। बढ़िया गेंद देखना है अंपायर का इशारा व्हाइट का। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद रिवर्स मारने का प्रयास व्हाइट का इशारा अंपायर कार्तिक द्वारा। 10-10 आयुष फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने चेतन फिर से दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई व्हाइट का इशारा लगातार दो व्हाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ दो अंकों में पहुंचता हुआ 11 रन। तीसरा ओवर लेके आए हैं और ये दो व्हाइट के बाद एक विकेट चेतन कोत्रेकर सीधा बाहर मारकर आउट हुए। तीसरा झटका ऑटो पॉइंट्स को। अब आए सोमा सोमा आए हैं नए बल्लेबाज। और ये हल्के हाथों से खेला एक रन चुरा लिया है अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। आयुष तैयार गेंदबाजी के लिए सामने तुषार तीसरा ओवर चल रहा है। और ये
टाई पैड को लगकर गेंद जा रही है फाइनल की दिशा में, एक रन लेग 22 के रूप में। इस एक रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ ऑटो पॉइंट्स का, 13 रन अब स्ट्राइक पर आए हैं सोमा। और रिवर्स मारने का प्रयास, बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन जरूर मिले उनको, 14 रन हो चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर, दोनों ही टीमें एक एक मैच हार चुकी है पहली जीत की तलाश में। बैकफुट पर जाके कट करने का प्रयास तुषार का, लेकिन अच्छी गेंद, लोग काफी नीचे रही है गेंद टप्पा खाने के बाद, कोई मौका नहीं शॉट खेलने का। अगली गेंद आयुष की, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके आगे निकलकर आए थे, और अच्छी गेंद, पहले ही परख लिया था बल्लेबाज को आयुष ने कि कुछ हरकत करने वाला है, इसीलिए गेंद को पीछे खींचा, कोई मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ, 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 14। रन, अच्छी गेंदबाजी जावा बॉयज की अब तक, और मैच का 14 और खुद का दूसरा ओवर लेके आए हैं संस्कार कनगुटकर, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर, सामने है सोमा। बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन पर और रन आउट का चांस यहां पर, लेकिन बाल बाल बच गए। ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया शॉट था ऑन साइड मिड ऑन लॉन्ग ऑन पर, जब तक फील्ड होते सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज में। अगली गेंद संस्कार की, सामने तुषार, बहुत ही खूबसूरत शॉट, दिशा दिखाई गेंद को, बहुत बड़ा गैप था लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के बीचों बीच। 4 रन, 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है ऑटो पॉइंट्स का 20 रन, 14 ओवर 19 रन सॉरी 14 ओवर प्रगति पर है। फिर से कदमों का इस्तेमाल, इस बार स्क्वेयर लेग की दिशा में गेंद जा रही है, एक ही रन मिलेगा, 20 रन हो चुके हैं, 14 ओवर चल रहा है, 20 रन संस्कार कनगुटकर। अगली गेंद फेंकेंगे, सामना करेंगे सोमा। बढ़िया शॉट, कलाइयों के सहारे इसे खेला है डीप स्पेयर लेग में, जब तक आयुष फील्ड करते एक रन पूरा किया, 21 रन। अब तक रन हो चुके हैं, फिर से कदमों का इस्तेमाल और रन आउट हो चुके हैं, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, और एक झटका जावा ऑटो पॉइंट्स को। तुषार के आउट होने के बाद तुरंत नए बल्लेबाज इंजमाम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है इंजमाम, चेंज करने का नहीं, पहले अंपायर को बोलने का, वो नहीं मालूम बोल की चेंज करने का ना, हां कर सकते हैं, पूछ सब आप वहां अंपायर को बोलने का पहला, बहुत ही बढ़िया शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग आकाश द्वारा फाइन लेग पर, 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 23। रिवर्स खेलने का प्रयास, यहां पर जोरदार अपील, अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्ति के बाद 23 रन, 23 रन हो चुके हैं। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं आकाश, बढ़िया अब तक जावा बॉयज का ये 4 ओवर घटता हुआ, आखिरी ओवर लेके आए हैं आकाश।
23 23 9 वाले 9 चार सिंगल एक वाइट एक चौका आकाश ने आखिरी ओवर लेके आए सामने करेंगे इंजमाम बढ़िया शॉट गैप में खूबसूरत सा ये शॉट लो फुल टॉस गेंद थी खूबसूरत तरीके से इस शॉट को बनाया इंजमाम ने स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया चार रन प्राप्त किए इस चार रन के साथ स्कोर पहुंचा है 27 रन आखिरी ओवर चल रहा है आकाश फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार सामने इंजमाम फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास लेकिन इस बार आकाश ने फॉलो किया बल्लेबाज को इंजमाम को और एक रन मिलेगा 22 के रूप में अगली गेंद सोमा के लिए बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ पर और ये रनआउट का चांस यहां पर और सुरक्षित अपने क्रीज में गेंद अगर शायद आकाश के हाथ में आ जाती तो आउट हो जाते सोमा लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में रन 29 29 रन अगली गेंद आकाश की सामना करेंगे इंजमाम ओहो बढ़िया शॉट दिशा दिखाई गेंद को एक रन इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 30 आकाश की अगली गेंद सामना करेंगे सोमा बढ़िया बढ़िया गेंद थाई पैड से लगकर फाइन लेग की दिशा में गेंद गई लेग बाइस का इशारा अंपायर कार्तिक द्वारा और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे इंजमाम और ये तेजी से फेंका हुआ गेंद नो बॉल का इशारा यहां पर नो बॉल दिया है अंपायर ने पीछे के लाइन पर टच किया उनका पैर इसी कारण नो बॉल दिया गया है और दो रन मिलेंगे यहां पर ऑटो पॉइंट्स के टीम को इस दो रन के साथ स्कोर पहुंचा है 33 और फ्री हिट वो सर फ्री हिट है क्या आखिरी गेंद अच्छी गेंद यहां पर पैरों पर लगकर गेंद पॉइंट की दिशा में गई एक ही रन मिलेगा लेग बाइस के रूप में 34 रन बनाए ऑटो पॉइंट्स ने 30 गेंदों में 35 रनों का लक्ष्य रखा है जावा बॉयज को अच्छी गेंदबाजी अब तक जावा बॉयज के गेंदबाजों ने की है 35 रनों का लक्ष्य
हेलो हेलो, 35 रनों का लक्ष्य जावा बॉयज के लिए। पहला ओवर लेके आए इंजमाम और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज गौरेश, और स्ट्राइक पर गौरेश, नॉन स्ट्राइक पर आकाश। इंजमाम और पहली गेंद वाइट और 4 रन 5 रन मिलेंगे और ये बिना बॉल के 5 रन मिल गए जावा बॉयज को। अब 30 बॉल में 30 रनों की आवश्यकता। बढ़िया शॉट लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। और ये गौरेश ने सीधे सीमा रेखा के बाहर मार दिया गेंद को। अच्छी गेंद, पहला झटका जावा बॉयज को गौरेश के रूप में। और गौरेश को आउट, गौरेश आउट होते ही तुरंत नए बल्लेबाज मंदार मंदार आए हैं। नए बल्लेबाज मंदार और सामना करेंगे इंजमाम का। अच्छा शॉट, यहाँ पर खेलते ही दौड़ पड़े और ये देखना है दूसरे रन के लिए जाते या नहीं। और ओवर थ्रो में ये दूसरा रन भी पूरा। दो रन मिलेंगे यहाँ पर, इस दो रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। बढ़िया शॉट, गैप ढूंढा मिड विकेट और पॉइंट के बीचों बीच से गैप ढूंढने में कामयाब मंदार और 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 11 रन 2 अंकों में पहुंचता हुआ 11। बढ़िया बल्लेबाजी मंदार द्वारा। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, बैकफुट पर जाकर खेलाइजा और यहाँ रन आउट का चांस, मौका है यहाँ पर लेकिन सुर आउट दे दिया है। रिव्यू लिया है फील्डर ने और थर्ड अंपायर हमारे यहाँ नवीन सोलंकी थर्ड अंपायर देख रहे हैं, डिसीजन पेंडिंग है। मागे जा, उधर 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 तिकडे जायचं, हा काय बोलायचं पण नाही इकडे, मग त्या लोकांना वेगळं वाटणार।
रन आउट का ये डिसीजन पेंडिंग, थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं रन आउट है या नहीं। नॉट आउट, और ये नॉट आउट दिया गया है, रिव्यू सक्सेस हुआ है जावा बॉयज का। पहले ओवर की आखिरी गेंद, सामने मंदार और कृपया प्रेक्षकांनी बाहेर जेवढे बाईक लावलेले आहेत ते घरासमोर ते काढायचं आहे, नाहीतर हवा काढून टाकणार आणि खेळायला बंद करे। बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति, एक ओवर 11 रन एक विकेट। कृपया प्रेक्षक जेवढे प्रेक्षकांनी बाईक लावले त्या घरासमोर कृपया सगळ्यांनी बाईक काढा, नाहीतर हवा काढण्यात येईल। घरासमोर जेवढे जण बाईक लावलेत प्रेक्षकांना नम्र विनंती, बाईक काढून घ्या तिथून। दुसरा ओव्हर लेके आहे तुषार, सामने आकाश, शॉर्ट पिच गेंद और गैप में चार रन। बढ़िया शॉट, शॉर्ट पिच गेंद थी आकाश, जो रन आउट होते होते बच गए और चौका, इस चार रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन। सामने आकाश, अगली गेंद तुषार, फिर से बैकफुट पर जाकर कट किया, इसे एक रन चुरा लिया आसानी से, इस एक रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 16। बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, खूबसूरत सा स्ट्रेट ड्राइव, ताकत से मारा हुआ यह शॉट, ये दूसरा चौका इस ओवर में आता हुआ, मंदार के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, 35 रनों का लक्ष्य है। और चार रन मारने के बाद हल्के हाथों से खेल के स्ट्राइक रोटेट किया, अच्छी क्रिकेट, बढ़िया शॉट मंदार की, एक रन लेकर चोर बदली कर दिया, इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 21, अभी भी 14 रनों की आवश्यकता। दूसरा ओवर चल रहा है, तुषार की अगली गेंद, सामना करेगा आकाश, बढ़िया शॉट, और चेतन जब तक फील्ड करते एक रन पूरा किया दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने। दोनों ही टीमें एक एक मैच हार चुकी है, अपनी पहली जीत के लिए खेल रहे हैं, जावा बॉयज वर्सेस ऑटो पॉइंट्स। फिर से बॉलर के सर के ऊपर से मारने का प्रयास, लेकिन अच्छी फील्डिंग पोलोत्रो में तुषार की, ओवर की समाप्ति, दो ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 22 रन, 13 रनों की आवश्यकता 18 गेंदों में। इंजमाम बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेल दिया है एक रन, 23 रन, मैच का तीसरा और खुद का दूसरा ओवर लेके आए इंजमाम। अब स्ट्राइक पर मंदार, बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, और सोमा, अच्छी फील्डिंग सोमा की, और मना किया मंदार ने रन लेने से। कट किया है और चार रन, शॉर्ट पिच गेंद थी,
बैकफुट पर जाकर कट किया, इसे चार रन प्राप्त किए। इस चार रन के साथ स्कोर पहुंचा है 27 रन 27। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, फिर से चौका, बढ़िया शॉट। अब चार रनों की आवश्यकता, 31 रन हो चुके हैं, अब चार रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए जावा बॉयज को। फिर से शॉर्ट पिच और लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, व्हाइट का इशारा अंपायर सुभाष द्वारा। और बड़ा शॉट मारने का प्रयास, लेकिन काफी नीचे रही गेंद, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। आखिरी गेंद, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, चार रनों की आवश्यकता जावा बॉयज को। फिर से दिशा इन गेंद, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा व्हाइट का, सॉरी दो रनों की आवश्यकता है। और ये बैट एंड बोल्ड, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर बोल्ड हो चुके हैं मंदार, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, दो रनों की आवश्यकता है, सॉरी दो रनों की आवश्यकता है। और ये बैट एंड और मंदार के आउट होते ही नए बल्लेबाज अजय खैरे, सूर्या, और आते ही सूर्या ने पहला विकेट चटकाया अपना, आकाश आउट होकर पवेलियन लौट रहे, आकाश के स्थान पर नए बल्लेबाज आयुष। और आते ही सूर्या ने, सूर्या और नए बल्लेबाज आयुष, बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ पर, और ये पकड़ लेते सूर्या तो रनआउट हो सकते थे। आयुष एक रनों की आवश्यकता है, स्ट्राइक पर आ जाए। और ये मैच जावा बॉयज ने जीत लिया है, व्हाइट मैन ऑफ द मैच मंदार, मंदार मैन ऑफ द मैच इस मैच के, अच्छी बल्लेबाजी और इसी कारण मंदार को मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। मैन ऑफ द मैच मंदार, उपशाखा प्रमुख राजू शर्मा और आसिम खान के हाथों से ये पुरस्कार दिया जा रहा है।